हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुमार गौरव और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बहुत लोगों का मदद करता हूं, लेकिन आज मैं मुसीबत में हूं तो मेरा कोई मदद नहीं कर रहा है। मैं यहां बिहार से यानी पटना से अपने घर से लखीमपुर असम आया हूं और लखीमपुर उतरना था, लेकिन ट्रेन में मुझे लगा ऐसा कि दो आदमी चढ़े हुए हैं और बॉगी पूरी खाली थी और ट्रेन में कुछ भी नहीं था, कोई भी इंसान नहीं थे, लेकिन वो दोनों आदमी थे। लेकिन उसी डर से मैं नहीं उतरा क्योंकि वो दोनों के हाथ में कुछ था, वेपन था, तो इसलिए मैं नहीं उतरा और ट्रेन खुल गई। और खुल तो गई, वो राजधानी ट्रेन थी इसलिए बहुत ज़्यादा आगे निकल गए तुरंत ही। फिर वो जब दोनों गए तो मैं ट्रेन में भैकों मार के उतर गया और उतरने के बाद एक जगह अंधेरे में सुनसान जगह में पटरी पर उतरा और वहाँ से बढ़ते 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 मैं एक स्टेशन पे आया हूँ। वो और ऐसी बात है कि यहाँ स्टेशन पर कोई भी इंसान नहीं है, एक भी आदमी नहीं है। ये लॉकडाउन का स्थिति है यहाँ पर और यहाँ स्टेशन पूरी बंद है, एक भी इंसान नहीं है और स्टेशन भी पूरा बंद है। स्टेशन में सब जगह ताला लगा हुआ है और मैं सबसे बहुत सारे लोग से मदद मांग चुका हूँ, लेकिन सबको कॉल किया हूँ और अभी रात के 1 बज रहे हैं, कोई नहीं है और यहाँ सिर्फ अगर है तो हम हैं और मेरी तन्हाई है। और प्लस कि यहाँ पे रात में जंगल का एरिया टाइप का लग रहा है, तो यहाँ कुत्ता है, शायद सियार भी हैं, वो सब आ रहे हैं बार बार। मैं उन्हें भगाने की कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे नहीं पता है कि मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, लेकिन मदद करना नहीं छोड़िएगा दोस्तों, दूसरे का हेल्प करते रहिए। आज भले ही मेरा कोई मदद नहीं कर रहा है, शायद मेरे नसीब में यही है, देखते हैं क्या होता है। सुबह तक मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा मुझे पता नहीं है। और यहाँ कोई भी नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई भी आदमी नहीं है। बहुत इंसान को मैं मदद करता था और अगर बचा तो भी करूंगा, ऐसी बात नहीं है, तो भी करूंगा, शायद मेरा नसीब ही है ऐसा। चलिए दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ, बहुत डर भी लग रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।